नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दादर और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा के दौरे पर हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। श्रीमान प्रफुल्ल भाई पटेल, संसद में मेरे साथी श्री नटू भाई पटेल, श्री लालू भाई पटेल, वलसाड़ से डॉक्टर केसी पटेल, महाराष्ट्र से श्री राजेंद्र गावित जी और दमन दीव सेलवास के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रधान सेवक के तौर पर मैं फिर एक बार आपके बीच हूं। लेकिन उससे पहले भी ये दमन हो, दीव हो, सेलवास हो, यहां के गांव हो, ये मेरे लिए नए नहीं है। कई बार आने का अवसर मिला है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव की सड़कों पर कभी स्कूटर में घूमने का मौका मिलता था। यहां के खान पान, रीति रिवाज, यहां की नागली, सब कुछ जब यहां आता हूं तो पुरानी बातें याद आती हैं। आपके प्यार ने मुझे अभिभूत किया है। साथियों, 2017 में जब अप्रैल के महीने में मैं आपके बीच आया था तो अनेक योजनाओं का शिलान्यास किया था। मुझे खुशी है कि इतने कम समय में अधिकांश का कार्य पूरा कर लिया गया है और उनमें से कई का आज लोकार्पण किया जा रहा है। आज जब एक बार फिर आपके बीच हूं तो यहां 1400 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ये परियोजनाएं यहां की कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, विरासत, इन सब अनेक पहलुओं से जुड़ी हुई, यहां के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आज यहां नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी और नई आईटी पॉलिसी भी लॉन्च की गई है। नए वर्ष पर इन उपहारों के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। भाई और बहनों, सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही केंद्र की सरकार विकास की पंचधारा के लिए पूरी तरह से समर्पित है। बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, ये हमारे लिए विकास का राजमार्ग है। मुझे देखकर भी खुशी होती है कि पिछले 5 वर्षों में दमन दीव और दादरा नगर हवेली का विकास नई ऊंचाई पर पहुंचा है। इन दोनों ही क्षेत्रों की एक नई पहचान बनी है। अनेक विषयों में ये दोनों केंद्र संघ प्रदेश व्यवस्थाओं में अपूर्णता से निकल करके पूर्णता की तरफ आगे बढ़े हैं। आज दमन दीव और दादरा नगर हवेली दोनों ही खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर चुके हैं। आज दोनों ही क्षेत्रों के हर घर में एलपीजी कनेक्शन है और दोनों ही केरोसिन फ्री घोषित किए जा चुके हैं। आज दोनों यूनियन टेरिटरीज के सभी घरों में बिजली कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है। आज
इन दोनों क्षेत्रों में रहने वाले वो गरीब जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर पाने के योग्य थे उन्हें घरों की मंजूरी दी जा चुकी है। आज दोनों ही क्षेत्रों के वो लोग जिन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना है, गोल्ड कार्ड जारी किए जा चुके हैं। साथियों, अगर मैं बीते 3 वर्षों की ही बात करूं तो इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में करीब करीब 9000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। 9000 करोड़, आप कल्पना कर सकते हैं अब हमारा क्षेत्र कहां से कहां पहुंच रहा है। इस राशि से अनेक परियोजनाएं शुरू की गई है, अनेक को पूरा किया गया है। इसी कड़ी में आज यहां स्वास्थ्य से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। आपकी एक बहुत पुरानी मांग भी पूरी हुई है, दादरा नगर हवेली दमन और दीव को आजादी के इतने दशकों के बाद अपना पहला मेडिकल कॉलेज मिला। आज तक दोनों केंद्र शासित राज्यों को साल में सिर्फ 15 सीटें ही अलग अलग जगहों पर मिलती थी। अब इस प्रयास से 150 सीटें एक ही जगह पर इस नई मेडिकल कॉलेज में प्रारंभ हो रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि आगे चल करके 150 पर ही रुकेगा। जैसे काम बढ़ेगा स्टूडेंट की संख्या भी बढ़ेगी। भाई और बहनों, कोशिश ये भी हो रही है कि बिना समय गंवाए एक वैकल्पिक बिल्डिंग से इसी वर्ष से ही मेडिकल कॉलेज शुरू किया जा सके। मुझे भी बताया गया है कि मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सिलवासा में पैरा मेडिकल की करीब 250 और दमन में नर्सिंग की 50 सीटों की भी व्यवस्था की गई है। इन प्रयासों से युवा साथियों का तो लाभ होगा ही, यहां की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। साथियों, 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस कॉलेज के अलावा हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर्स का जो नेटवर्क यहां बनाया जा रहा है उससे सामान्य बीमारियों का उत्तम इलाज भी घर के पास ही संभव हो पाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत बंद रहे दर्जनों ऐसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का भी लोकार्पण यहां किया गया है। भाइयों और बहनों, थोड़ी देर पहले यहां आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उनके कुछ लाभार्थियों को कार्ड दिए गए हैं। दुनिया की इस सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना की चर्चा आज पूरे विश्व में हो रही है। लोग इसे मोदी केयर कह रहे हैं। कारण यह है कि इस योजना के तहत हर दिन देश में लगभग 10,000 से भी ज्यादा गरीबों का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हो रहा है। अभी इसको 100 दिन से थोड़ा ऊपर ही समय हुआ है। इतने कम समय में ही लगभग 7 लाख गरीब मरीजों का अस्पताल में इलाज हो चुका है। साथियों, दवाई के साथ साथ पढ़ाई की सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले
यहां शिक्षा से जुड़े नए संस्थान आपको समर्पित किए गए हैं। दीव का एजुकेशन हब, इसके तमाम व्यवस्थाएं यहां के युवाओं को घर के पास ही अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने में मदद करेंगी। भाई और बहनों, दवाई और पढ़ाई के साथ साथ सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी गरीब बेघर ना रहे, बिना छत को उसकी जिंदगी ना हो, उसको रहने के लिए पक्का घर हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव और शहरों के गरीबों को अपना पक्का घर देने का एक व्यापक अभियान देश भर में चल रहा है। इस संकल्प की तरफ एक कदम और बढ़ाते हुए दादरा नगर हवेली और दीव दमन में आज अनेक घरों का लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा नए घरों के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी थोड़ी देर पहले किया गया है। इसमें दमन के इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले कामगार परिवारों के लिए बना हाउसिंग प्रोजेक्ट भी शामिल है। आज जिनके घर का सपना पूरा हुआ है और जिनके घर बनने शुरू ही हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत हृदयपूर्वक बधाई देता है। नए साल में नए घर का उनका सपना पूरा हुआ है। साथियों, बीते 4.5 वर्षों में दादरा नगर हवेली जैसे छोटे से क्षेत्र में 1000 से अधिक शहरी गरीब आवास के लिए काम किया गया है, बनाए जा चुके हैं। बीते 4.5 वर्षों से जिस कमिटमेंट के साथ, जिस स्पीड और स्केल पर गरीबों के घर बनाने का काम चल रहा है, वह अभूतपूर्व है। पहले की सरकार जहां अपने 5 साल में सिर्फ 25 लाख घर बनवा सकी थी, वहीं हमारी सरकार अब 5 साल में 1.25 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण पूरा कर चुकी है। कहां 5 साल में 25 लाख और कहां 5 साल में 1.25 करोड़ से भी ज्यादा। भाइयों और बहनों, ये भी सिर्फ 4 दीवारियां ही नहीं, इसमें सौभाग्य योजना के तहत बिजली का मुफ्त कनेक्शन भी मिलता है, टॉयलेट भी होता है, किचन में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन भी दिया जाता है। दादरा नगर हवेली की बात करूं तो यहां 13,000 बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इस प्रकार की तमाम सुविधाएं गरीब के आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है। साथियों, सामान्य मानव का जीवन सरल और सुगम हो, इसके लिए देश के स्मार्ट व्यवस्थाओं का निर्माण हो रहा है। सिलवासा और दीव शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अनेक योजनाओं पर काम चल रहा है। यहां की सड़कें हो, गलियां हो, सीवर और पानी की व्यवस्था हो, साफ सफाई की सुविधा हो, हर स्तर पर काम हो रहा है। थोड़ी देर पहले स्मार्ट सिटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। साथियों, सिलवासा तो इस पूरे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों का ऊर्जा केंद्र है। अनेक उद्योग यहां पर है और भविष्य में भी यहां उद्योगों में के लिए अनेक संभावनाएं हैं। सिलवासा नगर निगम का भवन हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने वाले प्रोजेक्ट हो, ये सभी यहां के जीवन को आसान बनाने वाले हैं। साथियों, सिलवासा के साथ साथ दमन और दीव भी विकास को रफ्तार दी गई है। दमन गंगा पर बने नए पुल, नई सीवेज लाइन और ट्रीटमेंट प्लांट जैसी सुविधाओं से दमन वासियों का जीवन सुगम होने वाला है। वहीं मोटी दमन में बनी सी वॉल अब सागर की लहरों से आपकी सुरक्षा करने वाली है।
इससे मिट्टी के कटान की समस्या बहुत कम होने वाली। साथियों, पिछली बार जब मैं यहां आया था तो अनेक आदिवासी परिवारों को जमीन के पट्टे बांटे गए थे। आज भी कुछ साथियों को जमीन के अधिकार पत्र सौंपने का अवसर मुझे मिला है। भाइयों और बहनों, जमीन हो, जंगल की पैदावार हो, पढ़ाई लिखाई हो, खेल से जुड़ी प्रतिभा हो, हर स्तर पर आदिवासियों के कल्याण के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। वन धन योजना के तहत जो जंगल की उपज है उसमें वैल्यू एडिशन और उसके उचित प्रचार प्रसार के लिए देश भर में सेंटर बनाए जा रहे हैं। जंगल से जो उपज आदिवासी बहन भाई इकट्ठा करते हैं उनका सही मूल्य मिल सके, इसके लिए समर्थन मूल्य का दायरा बढ़ाया गया है। साथियों, आदिवासी समाज की कमाई के साथ साथ कल्चर के संरक्षण के लिए भी गंभीर प्रयास हो रहे हैं। आज भी यहां एक इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट का प्रारंभ हुआ है। कल्चरल सेंटर हो, पुराने किलों का संरक्षण हो, दीव में INS खुकरी से जुड़े स्मारक स्थल हो, ये निश्चित तौर पर स्थानीय संस्कृति के संरक्षण और उसके प्रचार प्रसार में अहम सिद्ध होने वाले हैं। साथियों, संस्कृति और गौरव, इतिहास के ये स्मारक हमारी भावनाओं के प्रहरी तो है ही, युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर भी बनाते हैं। ये टूरिज्म को ताकत देते हैं। दादरा और नगर हवेली में पर्यटन के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र को टूरिस्ट मैप पर लाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सिलवासा में बने दमन गंगा रिवर फ्रंट के पीछे की भावना भी यही है। अब यहां आने वाले पर्यटकों के लिए एक और आकर्षण का केंद्र यहां बनकर तैयार है। इसके अलावा यहां पर 200 स्क्वायर मीटर किलोमीटर का रिजर्व फॉरेस्ट एरिया भी है। ये फॉरेस्ट एरिया टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए वरदान है। मधुबन डैम के कैचमेंट एरिया में वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। दादरा और नगर हवेली की इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बेहतर हो, इसके लिए यहां के प्रमुख टूरिस्ट सेंटरों और अहम जगहों पर फ्री वाईफाई की सुविधा देने का प्रयास चल रहा है। साथियों, टूरिज्म के साथ पारंपरिक रोजगार के साधनों और संसाधनों को भी मजबूती दी जा रही है। ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम के तहत मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। मछुआरे बहन भाइयों के लिए मछली पकड़ना आसान हो, मार्केट तक पहुंच आसान हो, इसके लिए कोशिश की जा रही है। मछुआरों की पारिवारिक नावों को आधुनिक मोटर बोट्स में बदलने का काम चल रहा है। मछली के उत्पादन के लेकर व्यापार तक की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए मछुआरों को आसान और सस्ते ऋण के लिए एक विशेष फंड बनाया गया है। इस फंड के माध्यम से करीब 7,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। भाइयों और बहनों, आज गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए जितने भी योजनाएं चल रही हैं, उनके मूल में सबका साथ सबका विकास, यही हमारी प्रेरणा है। जबकि वो दल जिसने दशकों तक देश में सरकार चलाई, वो हर काम में अपनी या अपने परिवार की संभावनाएं देखता था। यही कारण है कि वहां काम से ज्यादा नाम पर जोर दिया गया। साथियों, इस पुराने सरकारी संस्कार को, आदतों को हमने बदला है। हमने नाम के बजाय काम पर ध्यान दिया है। आज सरकारी योजनाओं का नाम क्या होता है? आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना,
ऐसी तमाम योजनाएं हैं, लेकिन कहीं पर भी मोदी का नाम नहीं है। ये दिखाता है कि हमारी नीयत जनता के विकास की है, परिवार के विकास की हमारी न संस्कृति है न हमारा इरादा है। और मेरे लिए तो ये 125 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है, और इस 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण यही मेरे लिए कल्याण का मार्ग है। साथियों, यही साफ नियत और स्पष्ट नीति इनको जरा खटक रही है। मोदी सरकारों के पुराने संस्कारों को क्यों बदल रहा है, इससे इनको तकलीफ हो रही है। इन्हें दिक्कत है कि मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई क्यों कर रहा है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलानी चाहिए कि नहीं दिलानी चाहिए, इन्हें परेशानी है कि सत्ता के गलियारों में घूमने वाले बिचौलियों को मोदी ने बाहर क्यों निकाल दिया। इन्हें गुस्सा आ रहा है कि मोदी गरीबों का अधिकार छीनने वाले, उनके राशन, उनकी पेंशन, उनको मिलने वाले हक, इसके हड़पने वाले बिचौलिए दलालों को बाहर क्यों कर रहा है। और अपने इसी गुस्से की वजह से अब ये लोग एक महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालत ये है कि जो पहले कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते थे, वो भी एक मंच पर आ गए हैं। साथियों, ये महागठबंधन सिर्फ मोदी के खिलाफ ही नहीं, ये देश की जनता के भी खिलाफ है। अभी तो ये पूरी तरह साथ आए भी नहीं, लेकिन हिंसेदारी पर कैसे मोलभाव चल रहे हैं, लेखा जोखा चल रहा है, लेन देन चल रही है, ये भी देश का नौजवान, देश का किसान, देश की महिलाएं, पहली बार वोट डालने वाला हमारे देश का युवा इन बातों को बहुत बारीकी से देख रहा है। और इन लोगों की आंख में कोई धूल झोंक नहीं पाएगा। साथियों, इन लोगों की दुनिया मोदी से नफरत से शुरू होती है और मोदी को गालियां देकर के समाप्त हो जाती है। मेरी दुनिया, मेरी सुबह 125 करोड़ देशवासियों के कल्याण के संकल्प के साथ शुरू होती है, और दिन भर पसीना बहा करके जब रात को सोने जाता हूं, आज कितना अच्छा काम किया इसी पे लगा रहता हूं। मेरा आदि भी वही है, मेरा अंत भी वही है। इनकी दुनिया अपने परिवार को, अपने भाई भतीजों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है, और बड़े गर्व के साथ घोषित किया जा रहा है, भाइयों बहनों, मेरी दुनिया तो मेरे 125 करोड़ देशवासी आगे बढ़े उसी के लिए समाज है। इनकी दुनिया में भारत के विकास के लिए विजन नहीं है, भारत के भविष्य की बात नहीं है, वहीं मेरी कोशिश
भारत को 21वीं सदी में दुनिया का श्रेष्ठतम देश बनाने की है। भाइयों और बहनों, अपने परिवार अपनी सल्तनत को बचाने के लिए ये कितने भी गठबंधन बना ले, अपने कर्मों से ये नहीं भाग सकते। उनके कुकर्म डगर डगर पर उनका पीछा कर रहे हैं, वो बच नहीं सकते। सिर्फ मोदी का विरोध, इनकी स्वार्थ की राजनीति को अखबारों में जगह दे देगा, मीडिया में चमकते रहेंगे, लेकिन देश की जनता के दिलों में देश को तबाह करने वाले लोग कभी भी जगह नहीं बना पाएंगे। भाइयों बहनों, आपको शायद पता नहीं है, जो लोग जनता से उखड़ जाते हैं, जनता जब उनका मिजाज बदल देती है, जब उनके पैरों की जमीन खिसकने लगती है, तो आकुल व्याकुल हो जाते हैं। अभी कलकत्ते में आप देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक एमएलए है, एक, कितने, एक, लेकिन वहां बीजेपी से बचने के लिए पूरे हिंदुस्तान के सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। एक एमएलए वाली पार्टी उसके नींद हराम करके रख दी है, क्योंकि ये सत्य के मार्ग पर चलने वाले हम लोग हैं। एक एमएलए होने के बावजूद भी हिंदुस्तान का सारी जमात वहां इकट्ठे होकर के बचाओ 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 इसके नारे लगा रही है। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को बधाई देता हूं, मैं पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं। एक अकेले एमएलए ने, इतनी छोटी सी पार्टी ने गलत काम करने वालों की नींद हराम कर दी है, उनकी जमीन खिसक रही है, डर के मारे इकट्ठे हो रहे हैं। आइए बहनों, ये लोग तानाशाह इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल हो केरल हो, डगर डगर पर जुल्म शाही है। जिस पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल पार्टी को उसका कार्यक्रम करने के लिए रोक लगा दी जाती हो, हर प्रकार की अलोकतांत्रिक प्रक्रियाएं की जाती हो, लोकतंत्र का गला गोड़ दिया जाता हो, वे वहां इकट्ठे होकर के लोकतंत्र को बचाने के भाषण देते हैं, तब मुझे इतना ही कहना है, जब पूरे पश्चिम बंगाल का चित्र देखता हूं, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि लोकतंत्र का गला गोंटने वाले, पंचायत के चुनाव में नामांकन करने के वालों को मौत के घाट उतार देने वाले, जब लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, तब देश के मुंह से निकलता है, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। साथियों, ये लड़ाई सकारात्मक सोच और नकारात्मक रवैये के बीच की है, ये लड़ाई विकास और भ्रष्टाचार के बीच की है, ये लड़ाई जनता और महागठबंधन के बीच की है। भाइयों और बहनों, सकारात्मक सोच के साथ सही प्रयास ही नए भारत के निर्माण का रास्ता है। इसी रास्ते पर हम सभी को, देश के जन जन को तेज गति से चलना है। ये पॉजिटिविटी नए वर्ष में हमारे मन मस्तिष्क में, देश के कोने कोने में बढ़ रही है। इसी कामना के साथ, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के निर्णय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
और भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं मैं सुबह से चल पड़ा हूं, भारत की सेना को मेक इन इंडिया का लाभ मिले, भारत की सेना के पास मजबूत टैंक देश से बनी हुई हो। कभी सुबह जाकर के उनकी चिंता करता हूं देश की सेना के ताकत बढ़ाने के लिए, तो आज अभी दीव दमन में आकर के यहाँ की जन सुरक्षा के लिए, यहाँ की युवा पीढ़ी को मेडिकल कॉलेज मिले, इसके लिए काम कर रहा हूं। भाइयों बहनों, कलकत्ते में लोग मिलकर के दल बचाने का जुगाड़ कर रहे हैं और मैं आपके बीच बीच आकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से लगा हुआ हूं। ये फर्क साफ है दोस्तों, ये फर्क साफ है। वो खुद को बचाने के लिए सहारा ढूंढ रहे हैं, मैं देश को आगे बढ़ाने के लिए सबका साथ सबका विकास लेकर के चल पड़ा हूं। और आज इतने छोटे से दीव दमन में लाखों की तादाद में आकर के आपने जो आशीर्वाद दिए हैं, जो प्यार दिया है, यही हिंदुस्तान का मिजाज है भाइयों। ये दीव दमन, ये लघु भारत है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है जिसके लोग यहां नहीं रहते। मैं अभी आ रहा था, मुझे गाड़ी से आना था, लेकिन दोनों तरफ एक लघु भारत मैंने देखा। हिंदुस्तान के हर राज्य के लोग अपने अपने पहनावे के साथ खड़े थे। मैं पैदल चल के उनको प्रणाम करता हुआ आपके बीच पहुंच गया भाइयों, क्योंकि हमें देश को आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, दल के लिए मरने मिटने वाले बहुत लोग होंगे, देश के लिए मरने मिटने वाले हम आपकी सपनों को पूरा करने के लिए आपको समर्पित है। आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।